नमस्ते, इंडियाज फूड एंड कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक राजस्थानी डिश के साथ आए हैं जो पानी पूरी की तरह खट्टी मीठी और उतनी ही न्यूट्रिशियस भी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कांजी वड़ा बनाते समय सबसे पहले हम कांजी बनाएंगे। तो कांजी बनाने के लिए हम 2 चम्मच राई लेंगे, करीब करीब 1/2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है हमें, और थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। इसमें हम डालेंगे सादा वाला नमक और थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आता है। हमने ये जो सब मसाले लिए हैं इनको हम अभी मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। मिक्सी के जार में हम ये सब डालेंगे और इनको हम दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये दरदरा पाउडर बनके रेडी हो गया है। इसमें हम हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वो डालने से इसका और भी अच्छा स्वाद आता है, इसलिए हमने डाला है। और इसमें हम चुटकी भर हींग भी डाल सकते हैं। अभी हम इसे एक पॉट में निकाल लेंगे। ये अभी हम फर्मेंट करने के लिए रखेंगे, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। तो करीब करीब हम 2 चम्मच दही डालेंगे इसमें। दही नहीं डाला तो भी चल सकता है, लेकिन दही डालने से ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है और अच्छा खट्टा स्वाद आता है इसमें। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसकी अच्छी पेस्ट बना लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दही के साथ। और अभी हम इसमें डालेंगे पानी। तो करीब करीब 2 ग्लास पानी हम इसमें डालेंगे। कांजी को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम एक सिनेमन लेंगे, दालचीनी, और इसे हम अच्छी तरह से जला लेंगे। तो देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से जल गई है। तो इसे हम देखिए इस तरह से एक प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर ये थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे हम जल्दी से ढक के रखेंगे ताकि इसका जो स्मोक है बाहर नहीं जाए और इसे बहुत अच्छी तरह से वो स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो देखिए, अभी हम ये ढक्कन खोलते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अभी एक जार में भर के रखेंगे और करीब करीब 2 से 3 दिन हम इसे फर्मेंट होने देंगे ताकि इसमें अच्छा खट्टापन आ जाए, जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी लगता है और उतना ही ये कांजी या जो ये पानी है ये पीने में भी बहुत न्यूट्रिशियस है। तो देखिए, हम इसे जार में भर के रखते हैं। इसके लिए हमें कांच का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो ऐसे ही हम इसे रख सकते हैं। और अभी हम इसे अच्छी तरह से ढक्कन लगा के पैक करके रखेंगे और 2 से 3 दिन तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे और हर रोज़ इसे हमें चलाते रहना है 1 या 2 बार दिन में, इससे ये बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। कांजी वड़ा बनाने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कांजी कैसे बनाते हैं और अभी हम देखेंगे वड़ा कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 बाउल मूंग दाल भिगो के रखी, 5-6 घंटे हमने इसे भिगो के रखा है, और 1/2 बाउल हमने उड़द की दाल ली है और इन दोनों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उसके बाद में हमने इसे करीब करीब 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। और अभी हम इनको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे ताकि हम इसका वड़ा बना सकें। देखिए, हमने मिक्सी में ये भिगोई हुई मूंग दाल और उड़द की दाल डाल दी है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे करीब करीब 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा है, और स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे। कांजी में भी हमने नमक डाला है, इसलिए नमक डालते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अभी हम इन सब की मिक्सी में महीन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमने दालों को पीस लिया है, और ये दाल पीसते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी हम इस पेस्ट को बाउल में निकाल लेंगे। तो अभी हम ये जो हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अच्छी तरह से फेंटने से जो हम बड़े बनाते हैं वो अच्छी तरह से फूलते हैं और हल्के भी होते हैं। तो इस तरह से हम इसे थोड़ी देर तक, करीब करीब 2 मिनट तक इसे इस तरह से फेंट लेंगे, और इसके बाद हम बड़े बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं, और तब तक हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये हमारा जो पेस्ट है अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है, और अभी हम एक बाउल में गुनगुना पानी लेंगे, ताकि बड़े तलने के बाद हमें इस पानी में उन बड़ों को डालना है, इसलिए हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, अभी हम इसमें बड़े तलेंगे। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे बड़े हम ऑयल में डालेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है, छोटे छोटे साइज़ के बनाने हैं, क्योंकि वो पानी में डाल के फिर और फूल जाते हैं। अभी हम इन बड़ों को पलट लेंगे। और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें ऑयल में फ्राई होने देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, बड़ी नहीं रखनी है। हाई फ्लेम पे ये बड़े बाहर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए हमें गैस की फ्लेम मीडियम रख। तो देखिए इन बड़ों को गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, और बड़े अच्छी तरह से फूल भी गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इन बड़ों को निकाल लेंगे, और इनको ये गुनगुने पानी में हम डालेंगे। अभी इस गर्म पानी में हम इन बड़ों को करीब करीब 20 से 25 मिनट तक रखेंगे, और फिर इनको पानी में से निचोड़ के निकाल लेंगे। तो देखिए अभी 15-20 मिनट हो गए हैं, और ये बड़े देखिए पानी में अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो अभी हम इन बड़ों को इस तरह से इसमें जो पानी है वो स्क्वीज कर लेंगे, निचोड़ लेंगे, और इनको हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सभी बड़े पानी में से निकाल लिए हैं, और अभी हम इन्हें सर्व करेंगे कांजी के साथ। कांजी हमने दो दिन और दो रात वैसे ही फर्मेंट होने दी, और अभी हम उस कांजी में ये बड़े डालेंगे और सर्व करेंगे। तो ये हमारी कांजी, ये हम इस जार में डाल रहे हैं, और इसमें अब हम ये बड़े डाल के सर्व करेंगे। करीब करीब 10-15 मिनट हम इस तरह से कांजी में इन बड़ों को यदि भिगो के रखते हैं तो ये और भी टेस्टी हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े फिर कांजी सोख लेते हैं। इसलिए करीब करीब 15 मिनट तो भी हमें इस कांजी में डाल के इनको रखना है। इनको हम ठंडा करके सर्व करेंगे, तो ये और भी टेस्टी लगते हैं। ये कांजी और 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती है यदि हम इसे फ्रीज में रखेंगे तो, नहीं तो फिर उसका और खट्टापन बढ़ता जाता है, इसलिए उसे हमें फ्रीज में रखना चाहिए। और ये जो बड़े हैं जब भी हमें सर्व करने हैं तो 15-20 मिनट गुनगुने पानी में भिगो के रखेंगे, और उसके बाद 15-20 मिनट कांजी में डाल के रखेंगे, और इसके बाद में ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस इस तरह से हमारा कांजी वड़ा बन के रेडी हो गया है। ये कांजी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी से कांजी वड़े बन के रेडी हो गए हैं। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह से नई नई रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और टाइम निकाल के मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।